हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड आज की जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ कॉम्पोजिशन से रिलेटेड ठीक है कॉम्पोजिशन की कलरिंग में फिगर कलरिंग में कि बैकग्राउंड किस तरीके से करें ठीक है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करें तो उसकी पूरी ट्यूटोरियल वीडियो है ये पूरा एंड तक देखना अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो ये है कि आप जो चीज़ें मैं कर रही हूँ जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वो चीज़ें आप ग्रैब कर पाओगे आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप मेरे से कैसे सीखो ठीक है जो चीज़ें मैंने उसमें करी हैं जो चीज़ें मैं फिगर्स में कर रही हूँ जिस तरीके से मैं कलर ऐड कर रही हूँ ठीक है जिस तरीके से मैं पैटर्न डाल रही हूँ जिस तरीके से मैंने ग्रास बनाई तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो वीडियो की लेंथ देखकर घबराना मत क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी है बट ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है तो ऑब्वियसली लेंदी ही होगी ठीक है तो इसमें मैंने फिगर्स में कैसे कलर करते हैं प्लस बैकग्राउंड के लिए काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है इसमें जो भी चीज़ें बताऊं उसको जो है फॉलो ज़रूर करना तभी आप लोगों के काम में इम्प्रूवमेंट आएगी जो बच्चे बोलते हैं ना कि कॉम्पोजिशन नहीं हो रहा दी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड वीडियो बनाओ कॉम्पोजिशन से रिलेटेड वीडियो बनाओ फिगर में कैसे कलर करें ठीक है वो सारी चीजें आप जो है थोड़ा सा देखना मैं इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स की वीडियोज बनाऊंगी जैसे ही पॉसिबल होता है ठीक है तो इसमें मैंने जिस तरीके से जहां जहां पर जो जो कलरिंग आपको बताई है मेन मेन एलिमेंट्स में आप वो देखना प्लस उसको फॉलो करने की कोशिश करना कि आप अपने कॉम्पोजिशन में उन चीजों को कैसे उतार सकते ठीक so, है फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले मैं फिगर से स्टार्ट कर रही हूँ इस फिगर में मैंने ऑलरेडी कलर कर लिया था लेकिन मैं जो है इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ ठीक है इसके रिगार्डिंग अगर इस फिगर में कैसे इनहसमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने ना लास्ट एक वीडियो भी बनाई है आप वो भी चेक कर सकते हैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है ठीक है तो नॉर्मल फ़िगर है ये इसमें देखो जैसे मैं ब्लैक आउटलाइंस डाल रही हूँ तो ये आपको डालनी है चाहे आप पेंटिंग के हो चाहे आप अप्लाइड के हो चाहे आप विजुअल कम्युनिकेशन में भर रहे हो चाहे प्रिंट मेकिंग में भर रहे हो ठीक है कोई भी स्ट्रीम में आप भर रहे हो तो आपको ये इस तरीके की लाइन आप डाल सकते हो ठीक है इससे क्या है कि फिगर टू डी नहीं लगेगा इससे फिगर थ्री डी ही लगता है किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि दीदी इससे टू डी हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है जितने भी कॉम्पोजिशन composition, अच्छे कॉम्पोजिशन्स के आप एग्ज़ाम्पल देखोगे उसमें इस तरीके से आउटलाइन रहती है ये फिगर्स को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है तो ये टेक्निक आपको ज़रूर फॉलो करनी है इस तरीके से नॉर्मल कलर करने के बाद आप कही कहीं लाइट एंड कहीं डार्क करके ना लाइन्स डाल सकते हो तो देखो जैसे मैं इस तरीके से पल्लू में डाल रही हूँ कही कहीं डार्क एंड कहीं लाइन लाइट तो इस तरीके से जो है फिगर इन्हांस होती है अभी जो है हम बाकी की कम्पोजिशन में कलर स्टार्ट करते हैं ठीक है ये इसके ऊपर की जो वो रहती है क्या नाम है वो जो छज्जा सा पड़ा रहता है उसके ऊपर अभी मैं फ़िलहाल कलर कर रही हूँ ठीक है तो देखो किस तरीके से ब्रश चला रही हूँ आप लोगों बोलते हो कि हमारा जो है पानी पानी जैसा हो जाता है पर मैं इतना कलर मतलब आपको इनफ कलर लेना है ठीक है देखो मैं भी काटरे शीट ही मैंने ये यूज़ करी है और इस पर मैं जिस तरीके से स्ट्रोक चला रही हूँ बस इतना ही काम करके छोड़ देना है कहीं कहीं पर ब्रश से देखो कैसे फोल्ड्स भी साथ के साथ ही बना रही हूँ जब भी गीला है इसके सूखने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ ठीक है नेक्स्ट है अब हम फिगर पर आ जाते हैं फिगर पर मैंने एक बेस स्टोन दे दी है एंड इसमें जो है अब हम जो है पैटर्न्स डालेंगे तो इस तरीके से जो है आप लाइन के पैटर्न्स डाल सकते हो कोई भी पैटर्न डाल सकते हो मतलब आप जैसे यहाँ पर मैं लाइन का पैटर्न डाल रही हूँ मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सॉलिड कलर से ही कपड़े बनाओ सॉलिड कलर से कपड़े बोले तो रेड कलर हो या ब्लू कलर हो ऐसे ही कलर से कपड़े बनाओ आप थोड़े इस तरीके के लाइट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे ये मैं इसमें अभी फिलहाल डाल रही हूँ ये लाइंस इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जब आप कॉम्पोजिशन अटैम्प्ट करते हो ठीक है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि टेक्स्चर डालना बहुत ज़रूरी है कपड़ों में आप जो है कुछ पैटर्न दिखाओ डिज़ाइन पैटर्नस दिखाओ तो देखो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आएगा उस चीज़ को आपको नोटिस करना है अभी मैंने सिंपल लाइन्स डाली हैं बेस स्टोन डालने के बाद ये सूख गया था ठीक है इतना करने में शीट गीली नहीं होनी चाहिए ठीक है बहुत सारे बच्चों की शीट खराब हो जाती है उसका रीज़न ये भी एक तो आप ड्राइंग नहीं करते या तो ड्राइंग फिगर छोटी छोटी बनाते हो तो छोटी छोटी बनाने में क्या है कि कलर जितना उस पर डालते हो उसमें डिटेलिंग करने के लिए आपको जगह ही नहीं मिलती तो ये मैंने ए थ्री साइज़ अभी शीट ली है इतनी ही इतनी ही ऑलमोस्ट आपको जो है एग्जाम में मिलेगी कंपोजिशन के टाइम पे तो देखो वेरिएशन क्रिएट करने हैं आपको फोल्ड में मैं डार्क से लाइट आ रही हूँ जितना कलर रहता है उतना यूज़ करने के बाद फिर से डार्क कर देती हूँ ठीक है तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मेंटेन रखना है पूरे कॉम्पोजिशन के टाइम पे तो ये पैटर्न्स डालने के बाद आप जो है इस तरीके से डार्क लाइंस लेके यानी कि इसी कलर का एक और डार्कर वर्जन बनाना है आपको ठीक है हमारा जो मेन मोटिव होता है कॉम्पोजिशन को करने का उसमें हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है दैट इज़ हाई कॉन्ट्रास्ट उसमें होना चाहिए तब वो दूर से निकल के आएगा ठीक है अभी ये मैं हाथों की दूसरे जो है हाथों की लेयर के मैंने ये लाइंस डाल दिए ठीक है अभी हम इसमें डार्कर टोन यूज़ करेंगे एक और तो इस तरीके से कॉलर के नीचे एक डार्कन टोन लगानी है ठीक है ये ब्लैक भी हो सकती है या फिर ये आप इसी का डार्कर वर्जन भी ले सकते हो ठीक है अभी मैंने इसी कलर का डार्कर वर्जन लिया है ये जो कलर है ये वेरीडियन ह्यू है ठीक है आजकल ये कलर मेरा फेवरेट हो रहा है क्योंकि मुझे इसकी फ्रेशनेस बहुत पसंद आ रही है ठीक तो इस तरीके से आपको कहीं कहीं देख रहे हो किस तरीके से मैं डार्क लाइन लगा ली बिना ज़्यादा पानी का यूज़ करे और बिना ज़्यादा कुछ क्रिएट करे इस तरीके से जो है सिंपल बहुत ही कम कलर का बहुत ही कम पानी का यूज़ करने पे ही जो है हमारा इफ़ेक्ट आ जाएगा जो हम मेन क्रिएट करना चाहते हैं उसकी जो ड्रेस है उसमें ठीक है इस तरीके से जो है आपको ये थोड़ा जूम मैंने इसलिए रखा है ताकि आप एक एक चीज़ ध्यान से देख सको ठीक देखो किस तरीके से ये जो है फ़िगर निकल कर आएगी फिगर के कपड़े जो हैं चमकेंगे दूर से मतलब थोड़ा सा हाईलाइट हमें दिखेगा जैसे ये जो पॉकेट बनी है ये पॉकेट कितना अच्छा आया है जिसमें एक डार्क लाइन डालने की वजह से तो आपको भी यह यही चीज़ें क्रिएट करनी सीखनी है कि आप कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो लेसर वाटर लेसर कलर के साथ ठीक है इसके बाद चाहो तो इसमें एक मिडिल टोन भी इसके बेस टोन के बाद एक मिडिल टोन डाल सकते थे लेकिन ऐसे ही अभी जो मैं डाल के दिखाऊंगी वो मैं इसमें ना बाद में डालूंगी ठीक है तो ऐसे डार्कर एरियाज़ वाले साइड पे जो है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है ये वीडियो जो है पूरी आ, पूरा मैंने इसका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड नहीं किया है जो जो मेन चीज़ें हैं मैंने उसकी उसी की ट्यूटोरियल ये रिकॉर्ड किया है ठीक है तो आप देख सकते हो कि दोनों फिगर्स कैसे लग रहे हैं अभी ठीक तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा लग रहा है और ये वाली जो ये लेडी हैं वो इस तरीके की लग रही है इसका मैंने वाटर कलर्स ट्यूटोरियल तो नहीं दिया लेकिन मैंने इसमें ये बताया आपको इन्हांस कैसे करना है ठीक है अभी मैं इसमें जो है एक थोड़ा सा सेकंड लेयर वाली लाइंस डाल रही हूँ फिगर के क्लोथ्स में ठीक है ऐसे ऐसे आप कहीं कहीं डाल सकते हो लेकिन बहुत कम डालना है ये नहीं कि ओवर वर्क आप कर देना है अब ऐसे ही मैंने पैंट में देखो सिर्फ एक बेसिक सी लेयर लगाई है इसके अलावा कुछ नहीं किया है इसमें मैंने डार्क ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करा है तो हम एक डार्कर टोन यहाँ पर ऐड करेंगे ठीक है ये जो लड़की का फेस है इसके पास भी इसमें भी हमें ज़्यादा काम नहीं करना है बस इसमें बस मैं डार्क टोन ऐड कर रही हूँ ठीक है इस तरीके से देखो डार्क टोन जब आप ऐड करते हो ना तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके वाटर कलर कॉम्पोजिशन पे इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी लेयर्स नहीं लगानी पड़ती प्लस इसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता और जो इफेक्ट हम चाहते हैं ना वो आ जाता है एक या दो लेयर्स में ही तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ये चीज़ आपको करनी है अपने कॉम्पोजिशन में ठीक है इस तरीके से डार्क कर दो देखो और कहीं कहीं पर जहाँ पर लाइट लगे वहाँ पर ब्लैक से डार्क कर दो ठीक है लाइन्स डाल दो ऐसे थोड़ी बहुत तो ये डार्क दूर से जब हम देखते हैं ना तो ये कुछ इस तरीके का लगता है ठीक है ये सारी फिगर्स कुछ इस तरीके की लगती है अब हम फेस में करेंगे फेस में कुछ नहीं करना होता है सिंपल पहले तो अच्छी फेस की ड्राइंग करो जब आप फेस की ड्राइंग थोड़ी सही करते हो ना तो क्या होता है कि आप एक बेस टोन लगा दो ऑरेंज कलर में तो डायरेक्ट ऑरेंज कलर लगा देती हूँ ठीक है इस तरीके से ऑरेंज कलर लगा दो और बस फीचर्स को निकालना होता है उसके बाद ठीक है बहुत सारे टोन्स ऐड करने की कोई नीड नहीं है इस तरीके से जैसे मैंने अभी नॉर्मली इसमें मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ देखो नॉर्मली मैं बिल्कुल फेस पे एक ऑरेंज कलर की टोन लगा रही हूँ बट मैंने ड्राइंग अच्छी कर रखी है ठीक है ड्राइंग फ़ीचर्स की ड्राइंग कर रखी है तो वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जब आप अच्छी ड्राॅइंग करते हो ना तो आपको बहुत सारे टोन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब क्या है कि मैं इसको डार्कर कलर से अगर मैं इन फीचर्स को निकाल दूंगी ना तो मेरा फ़ेस कम्प्लीट हो जाएगा मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वरना ये छोटा फेस है बहुत ऑलमोस्ट एक इंच जितना ये फ़ेस होता है तो ये क्या है कि इतने छोटे फेस पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स करना मतलब कि बेवकूफ़ी ठीक है तो वो नहीं करना है तो इस तरीके से मैंने सिर्फ इस पर डिटेल्स कर दिए हैं ये डार्कर कलर से ठीक है तो आप भी इतना ही कर दो बस इतना ही बहुत है दूर से हमें दिखाने के लिए कि हाँ फेशियल फीचर्स हैं इतना ही बहुत है ठीक है बहुत सारे टोन्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है चेहरे में वो अच्छा भी नहीं लगता है ठीक है वो बाद में क्या होता है कि जब वो सूखता है ना तो बहुत सारे ऐसे जला हुआ सा फ़ेस लगता है तो वो नीड नहीं है उस तरीके से करने की ठीक है सिंपल ऐसे भी रख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे डार्कर लाइंस डाल के आउटलाइन टाइप से कर दो एक तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि ये फेस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो फेशियल एक्सप्रेशन मैटर करते हैं आई नो लेकिन आपके पास इतना टाइम भी नहीं है प्लस वो फ़ेस में जब आप सेकेंड टोन लगाओगे तब तक वो सूखता भी नहीं है तो एटलीस्ट अप, अपनी ड्रॉइंग अच्छी करो ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े सिंपली उन पर आउटलाइन कर दो और आपका फ़ेस जो है कंप्लीट हो जाए तो बस मैंने अभी यही किया एक बेस टोन लगा कर सिंपली आउटलाइन कर दिए ठीक है अब मैं हेयर्स के लिए मैंने जो है ब्लू और थोड़ा सा क्रिमज़न मिक्स किया है वो मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ इनके हेयर्स पर ठीक है सिंपली बस एक बेसिक सी लेयर इससे ज़्यादा कुछ नहीं सेम जो है मैं इस लड़की के बालों में भी सेम कलर जो मैंने बनाया है वो मैं अप्लाई कर दूंगी ऐसे ही आपके कॉम्पोजिशन में जितने भी फिगर्स हैं आप एक ही कलर बना लो और थोड़ा सा मिक्स मिक्सिंग करके जो है सबके हेयर्स uh, में अप्लाई कर दो ठीक है अभी मैं ये सेम कलर इसमें भी अप्लाई कर रही हूँ इसके हेयर्स में ठीक है फिर इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे बाद में आप एक ही कलर से ना वेरिएशन निकालना सीखो जैसे मैंने एक ही कलर को पहले ऊपर लाइट लगाया और उसी कलर को मैंने नीचे लाते लाते डार्क जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी तो क्या है कि अब वो वेरिएशंस आ गई जो आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका एक ही बार में काम हो गया ठीक है और यही हमें चाहिए कि हम जल्दी से कर सकें बहुत बच्चे बोलते हैं कि वाटर कलर करने में टाइम लगता है टाइम नहीं लगता मेरे हिसाब से आधा घंटा ड्राॅइंग को दो और एक घंटे में बहुत आराम से वाटर कलर हो जाते हैं ठीक है इसको जो है फिल कर लो जो इसके आइज़ हैं उसी पे भी सेम इसी तरीके से आउटलाइन कर दो थोड़ी सी ठीक है बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने के लिए बैठेंगे ठीक है वरना फिर हम फेस को ख़राब कर देते हैं जो हमारे बेसिक आ, लिप्स नोज आइज़ हैं वो ही दिख वो ही नहीं दिख पाते हमें और फिर वो खराब लगता है ठीक है अब जो है बैकग्राउंड में देखो बैकग्राउंड जो है मैंने इसमें बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं है ठीक है तो पीछे सिंपल बिल्डिंग बनी हुई है तो पीछे सिंपल बिल्डिंग है तो उसमें पहले सबसे पहले प्लेन कलर में डाल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ और कहीं कहीं पर लाइन्स डाल रही हूँ थोड़े डार्कर कलर की इस तरीके से ठीक है कहीं कहीं उसको हम डार्क कर रहे हैं यानी कि उसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हैं और ये देखो येलो के साथ ब्लू कितना अच्छा जा रहा है तो मैं कहीं कहीं जैसे ये डार्क कर रही हूँ ना तो ये आपकी कॉम्पोजिशन को ये जो है ना कि बिल्कुल येलो के साथ हाई कॉन्ट्रास्ट में जो डाल रही हूँ कहीं कहीं पर देखो ये कितना अच्छा लगेगा अभी आप देखना इसको ये काफ़ी नेचुरलिस्टिक और प्योर और फ्रेश सा लुक देगा आपकी कॉम्पोजिशन को ठीक है इस तरीके से ये जो मैंने लाइन्स डाली हैं अभी जो लेडी बैठी है इसके पीछे थोड़ा सा डार्क कर दूँ ताकि वो और अच्छे से हाईलाइट होकर आए जो आगे का उनका फेस है ठीक है इस तरीके से लाइंस डाल दो हल्की हल्की कहीं मोटी कहीं पतली ठीक है आप जो है हम नीचे वाले एरिया में काम करेंगे थोड़ा सा जो ये आसपास सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना इसको देखो कितना डायरेक्ट काम करूँगी मैं इसमें कुछ ड्राइंग भी नहीं करी है बहुत सारे बच्चे एक एक चीज़ ड्रॉ करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट फ्रेश कलर्स लगाओ और आपका काम हो जाएगा आपको पता है कि जब वेजिटेबल कोई सेल कर रहा होता है तो ग्रीन होता है ठीक है थोड़े बहुत वाइट थोड़ा बहुत एरिया रह जाता है और इस तरीके से मतलब थोड़ा डिफरेंट कलर्स हैं तो आप मर्जन मिक्स कर सकते हो इस तरीके से मैं जो है कोई भी कलर अभी लगाऊंगी यहाँ पर तो वो इम्प्रेशन हमें देना है पर्टिकुलर एक एक सब्जी बनाने नहीं बैठना है ठीक है जब ये एंड हो जाएगा ना जब ये क्लियर हो जाएगा तब आप देखना ये बहुत अच्छा लगेगा सिंपली इस तरीके से कहीं कहीं डार्क कर दो लाइट के पास डार्क हमेशा करना है तो वो कॉन्ट्रास्ट निकल कर आएगा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कॉम्पोजिशन करते टाइम की कि आप जहाँ पर भी लाइट कलर लगा रहे हो तो उसको सूखने के बाद या तो उस पर डार्क लगाओगे जैसे अभी मैं ये वेजिटेबल्स बनाऊँगी ना यहाँ पर मैं डार्क लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छा निकल कर आएगा अभी मैं बेस लेयर लगा रही हूँ इसके बाद मैं डार्क से इसमें वेजिटेबल्स जैसा इंप्रेशन ड्रॉ करूँगी तो वो बहुत अच्छे वेजिटेबल्स निकल कर आएंगे अभी आप लोग देखना इसको ठीक है अभी देखो सिंपल सिंपल कलर लगा रही हूँ ज़्यादा कुछ नहीं कर रही और पानी और शीट जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है कुछ गीला नहीं हो रहा है कहीं से बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है तो ये सारी चीज़ें देखनी है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना आप उसे टिश्यू रखा करो अपने साथ जैसे कि ये लीक करा अभी अभी जस्ट ये लीक करा अभी अभी, अभी जस्ट तो इन सबको मैनेज करने के लिए टिश्यू रखा करो कर सकते हो उससे मैनेज ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है कलर्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते कि ग्रीन के ऊपर येलो आ रहा है ब्लू आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा ठीक है ये सिंपल बास्केट्स देखो बेस टोन थोड़ी ऐसी सी होती है लेकिन बेस टोन में जब हम डार्क से काम करते हैं ना अभी ये देखना ये इतना अच्छा लग नहीं रहा है लेकिन जब मैं इसमें डार्क से काम करूँगी ना तब आप देखना कि कितना इन्हांस होकर ये निकल कर आएगा वही असली चीज़ है जो हमें वाटर कलर के लिए सीखनी है कि हम कम काम में ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे डालें और एक तो अपनी ड्राइंग आप लोग अच्छी कर लो क्योंकि जब तक अच्छी ड्राइंग नहीं करके आओगे तब तक अच्छी कलरिंग भी नहीं होगी तो अच्छी ड्राइंग तो बहुत मैटर करती है ठीक है यहाँ पर सारे में बेस कलर लगा दो एक ग्रीन ग्रीन सा कुछ बाद में हम डार्क से निकाल देंगे थोड़ा सा सिंपली कलर्स लगा रही हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ कहीं कहीं थोड़ा पत्तों जैसा इफ़ेक्ट दे दिया बस ऐसा ही इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा रेडिश ऑरेंज रेडिश और ब्राउनिश से थोड़े से फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है वो बना दिया ठीक है बाकी अभी जो मैंने बेसिक लेयर्स लगाई है ना इसमें हम बाद में जो अभी ऊपर मैंने ग्रीन लगाया वहाँ पर हम कैबेज का इफेक्ट देंगे देखना वो डार्क पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो टेक्निक होती है ना हम उसको यूज़ करेंगे तो अभी देखो यहाँ पर मैं डार्क लगा रही हूँ तो ये अपने आप ही निकल कर आने लग जाएंगी वेजिटेबल्स इससे क्या है कि कलर्स आपके फ़्रेश रहते हैं ज़्यादा डेड नहीं होते और आपको ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है ये देखो यहाँ पर जो कैबेज का इफेक्ट आप देख रहे हो ना कहीं कहीं डार्क किया है बस मैंने तो वही आपको करना है इतना ही करना है इससे ज़्यादा नहीं करना है वो अपने आप ही निकल कर आ जाएगा कि वहाँ पीछे कैबेजेस रखी हैं और थोड़ी सी वहाँ पर पत्तियाँ हैं डार्क लाइट जो टोन लगाई थी उसके ऊपर सिर्फ डार्क से काम कर रही हूँ अब बस ठीक है ये देखो नीचे नीचे वाले जो वेजिटेबल्स हैं इसमें भी डार्क से काम किया है इस लड़की के जो ड्रेस है सिंपल एक टोन लगाओ फटाफट से बहुत आसान होता है वाटर कलर से काम करना आप देखो जरा आपकी मुझे ये नहीं समझ आती कि इतनी ज़्यादा वाटरी वाटरी सी कैसे हो जाती जब मैंने जब मैंने कि सिंपल एक लेयर लगाई है ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा कलर ठीक है पैरों में सिंपल ऑरेंज कलर लगाया हाथों में लगाया ठीक है पीछे वाले हाथ में थोड़ा नेक अब देखो ये जो टोन है ना येलो के ऊपर ये वाली जो टोन है ये बहुत है ये हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं है लेकिन आपको ये भी डालना है इस तरीके से लाइंस डालनी है जैसे मैं अभी डालूंगी देखो ये इससे क्या है कि फ़िगर और अच्छी लगती है ये देखो इस तरीके से लाइंस डालनी है कपड़ों में ठीक है बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इससे बिलीव में ये बहुत ट्रांसपेरेंट लुक देता है कहीं कहीं पर ऐसे उसी कलर की लाइटर टोन से काम करना सॉरी थोड़ी थोड़ी डार्कर टोन से काम करना ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देता है अभी एक डार्क टोन लगा दो हैंड में ठीक है बहुत जल्दी जल्दी इतना डिटेल का टाइम है ही नहीं मेरे पास तो एक ही बार में काम करो और ख़त्म करो इसको ठीक है सिंपल अब ब्लैक से आउटलाइन कर रही हूँ मैं इसमें हल्की फुल्की ब्लैक से ये और इनहेंस होके आ जाएगा ये जो फिगर है इसके क्लोथ्स ठीक है अभी देखना सिंपल हाथों में कहीं कहीं डार्क लाइंस कहीं हल्की सी लाइट इस तरीके से काम करना है आपको ये जो मैं टेक्निक की बात कर रही थी ये बहुत काम की चीज़ है तो इसको जरूर अप्लाई करना इस तरीके से कहीं कहीं बस डार्क लाइंस अप्लाई करो और काम हो जाएगा बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इससे देखो मेरी जो लाइन्स हैं वो इवन नहीं है मोटी मोटी नहीं है पतली मोटी हैं ठीक है ठीके? कहीं पर मोटी हैं कहीं पर थोड़ी पतली हैं इस यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है ये नहीं है कि मोटी मोटी आउटलाइन कर, कर आ रहे हो और देखो बहुत बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया है मैंने अपने जो लाइन्स हैं उसमें सिंपल मैं ब्रश को पीछे से पकड़ कर ये जो डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ देखो पैरों में मैंने कोई शेड्स नहीं डाले हैं जो नीचे बस कलर डाला था उसी के ही साथ मर्ज हो गया है वो ठीक ये देखो बस इस तरीके से जो है सिंपल छोटा छोटा काम करना है आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा ये वाली टेक्निक बहुत काम की चीज़ है दूर से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा एंड हमारी कॉम्पोजिशन जो है वो कम्पलीट हो गई है अभी मैं इसको आपको पूरा दिखाती हूँ पहले मैं अपने सिग्नेचर कर लूँ इस पर ठीक है कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये कॉम्पोजिशन ये पूरी कुछ बनने के बाद ऐसी लग रही है देखो कैसी लग रही है ये कॉम्पोजिशन अगर आप ऐसी कॉम्पोजिशन एग्जाम में बनाते हो जिसमें कि मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है सिंपल डार्क लाइट का ध्यान रखकर जो है मैंने इस कॉम्पोजिशन को बनाया है तो आप हर एक चीज़ देखो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखो कितने सही लग रहे हैं सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या फिर जिनके पास कोई आ, ऐसा पढ़ने का सोर्स नहीं है वो मेरे यूट्यूब से पढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ वैल्युबल कंटेंट जो है क्रिएट कर पाती हूँ तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी एंड आप लोगों का भी फर्स्ट बनता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि काम करने में बहुत टाइम लगता है एंड ये जो स्किल्स टाइम के साथ आई हैं इसको एक्वायर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को एंड आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मिलते अब हम नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय